दोस्तों अगर आप हमारे डेली व्यूअर्स हैं तो आपको पता होगा कि हमने आपको कहा था एलेक्स परेरा फाइट करना चाहता है यूएफसी 300 में और यूएफसी 301 में भी फाइट करना चाहता है जो कि होने वाला है आपका ब्राजील में। यूएफसी 300 का तो इवेंट हो चुका है खत्म, अभी वो फाइट करना चाहता है यूएफसी 301 में जो कि होने वाला है ब्राजील में और अपना ही कंट्री में वो फाइट करना चाहता है, लेकिन उसको अभी तक ओपोनेंट नहीं मिला है। लेकिन एक फाइटर है जिसने उसको चैलेंज किया है और वो फाइटर है आपका जीरी पोचका। जीरी पोचका ने कहा है अगर टाइटल फाइट मुझे मिले अगेंस्ट आपका एलेक्स परेरा के साथ तो मैं फाइट करने के लिए राजी हूं उसके साथ ब्राजील में। तो क्या आपको लगता है कि जीरी पोच का एलेक्स परेरा को यूएफसी 301 में हरा पाएगा अगर इन दोनों का फाइट हुआ? जिस तरह का डोमिनेशन एलेक्स परेरा ने यूएफसी 300 में दिखाया, क्या आपको उसके बाद लगता है कि जीरी पोच का एलेक्स परेरा को हरा पाएगा ये अगर फाइट हुआ तो इन फ्यूचर यूएफसी 301 में? तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में वो जरूर हमें बताएगा। तो चलिए चलते हैं अगले न्यूज पे। तो अगला न्यूज है आपका इलिया टोपोरिया को लेके। इलिया टोपोरिया ने एक इंटरव्यू में कहा है कि वो मैक्स होलोवे के साथ तभी फाइट करेगा अगर उस फाइट में मैक्स होलोवे अपना बेल्ट को भी ऑन द लाइन रखे। इलिया टोपोरिया ने कहा है मैं तो अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को रीमैच देने वाला था, लेकिन अभी मैक्स होलोवे ने वो BMF टाइटल जीत के वो अपना पोजीशन वहां पे सिक्योर किया है कि वो मेरे से फाइट कर सके। मैं हूं अभी चैंपियन, मैं अपना कंडीशन रखूंगा, मैं उसके कंडीशन के हिसाब से नहीं चलने वाला हूं। अगर वो BMF टाइटल ऑन द लाइन नहीं रखेगा तो मैं फाइट नहीं करने वाला हूं उससे और उसको मैं टाइटल शॉट भी नहीं देने वाला हूं। तो ये कहना था आपका इलिया टोपोरिया का। तो क्या आपको लगता है कि मैक्स होलोवे अपना BMF टाइटल ऑन द लाइन रखेगा ये फाइट में? तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं वो जरूर हमें बताएगा। तो चले चलते अगले न्यूज पे। तो अगला न्यूज है आपका अरमान सारुकियन को लेके। अरमान सारुकियन ने कहा है मैंने जो मिस्टेक किया था अपना पहला फाइट में इस्लाम अकाचेप के साथ फाइट करने में, मैं सोच रहा था कि उसको मैं ग्राउंड में ले जाके उसको मैं हराऊंगा, लेकिन मेरे से वो बहुत बड़ा गलती हो गया था, लेकिन मैं वो गलती दोबारा नहीं करने वाला हूँ। मैं उसके साथ वो ब्रॉल में नहीं जाने वाला हूँ, ग्राउंड में जाके मैं अपना एनर्जी वेस्ट नहीं करने वाला हूँ, उसको मैं सीधा स्टैंड अप फाइट में बुलाऊंगा और स्टैंड अप फाइट में ही जल्दी से जल्दी मैं ये फिनिश करना चाहूंगा। तो ये कहना था आपका अरमान सारुकियन का। तो क्या आपको लगता है कि अरमान सारुकियन इस्लाम अकाचेप को रोक पाएगा ग्राउंड में जाने से, और आपको लगता है कि अरमान सारुकियन इस्लाम अकाचेप को नॉकआउट कर पाएगा? तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं वो जरूर कमेंट सेक्शन में बताएगा। तो आज के लिए इतना ही था, होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए थैंक यू सो मच।